हेलो एवरीवन वेलकम टू जेनिक्स सो फाइनली आप लोगों के पास आज कल कुछ दिनों से ये एक मतलब ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी दैट इज़ फॉर द एटीसी जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो कि 2021 में भी हुआ था लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम एटीसी के साथ है कभी भी कोई चीज टाइमली नहीं हुआ है फाइनल रिजल्ट जो है शायद अभी आया है ट्वेंटी का तो आप सोच सकते हो कि हर एक चीज में उनका डिले बहुत ज्यादा होता है पहली चीज ये जो नोटिफिकेशन है जो यहां पे आपको देखने को मिल रहा है ये नोटिफिकेशन वेबसाइट पे जो ऑफिशियल वेबसाइट पे उस पर कहीं पे भी शो नहीं कर रहा है अगर शो कर रहा है तो आप लिंक जरूर भेज दीजिएगा क्योंकि हमारी टीम ने जितना ऑब्जर्व किया वेबसाइट पे ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी शो नहीं कर रहा है कि ये वैकेंसी आ ही रही है बट उम्मीद जरूर कर सकते हो तीस तारीख इसमें डेट दी गई है आप देख रहे हो गए यहां पर यहां पर तीस तारीख डेट दे रखी है तो उस डेट के अकॉर्डिंग थर्टी तक आप वेट कर सकते हो यह तीस मई तक और ये क्योंकि ए एग्जाम जो है लास्ट ईयर हम लोगों ने प्रिपरेशन कराया था उड़ान बैच हम लोगों ने लॉन्च किया था और उसमें बहुत सारे बच्चों ने बहुत बढ़िया तरीके से अपने प्रिपरेशन की थी बट एटीसी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है टाइम से एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है सिलेबस जो होता है बहुत ज्यादा कंफ्यूज सिलेबस होता है स्पेशली अगर इंजीनियरिंग मैथ्स की बात की जाए मैथमेटिक्स की बात करो इंजीनियरिंग मैथ्स की मत बात करो प्रीवियस ईयर के जो पैटर्न रहे 2015 फिर आई गेस 16 में हुआ था ए उसके बाद आई गेस 2018 में शायद हुआ था एटीसी उसके बाद आई गेस 2021 में हुआ एटीसी तो जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो पोर्शन है जो आप गेट में पढ़ाई करते हो प्रीवियस ईयर के पैटर्न को देखते हुए अगर हम उसकी स्टडी करते हैं जो कि हमने लास्ट ईयर जब प्रिपरेशन करवाया गया था उस केस में भी क्योंकि कोई भी प्रिपरेशन जो कराई जाती है लास्ट ईयर के पैटर्न को ही ऑब्जर्व करके कराया जाता है इन दैट केस में जब पेपर हुआ 21 में फिजिक्स तो सुपर जो आप लोगों ने प्रिपरेशन किया उड़ान बैच के साथ एकदम सुपॉप आपने एप्टीट्यूड की जो प्रिपरेशन किया उड़ान बैच के साथ वो भी सुपॉप आपने जो रीजनिंग की प्रिपरेशन किया वो भी सुपॉप आपने जो इंग्लिश वर्बल एप्टीट्यूड का जो प्रिपरेशन किया वो भी सुपॉप उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं आया वो एकदम परफेक्ट आया बट जो मैथमेटिक्स पोर्शन था उस पोर्शन में पूरा झोल हो गया आपको ज्यादा टारगेट किया गया था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे बट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पोर्शन उस तरीके से नहीं पूछा गया जैसा कि प्रीवियसली पूछा जाता था तो मैथमेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाती है एटीसी के एग्जामिनेशन में तो आप ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होता है क्योंकि सीट्स इसमें अच्छी खासी आती है और जेनिक शायद पहला इंस्टीट्यूट रहा होगा जिसने एटीसी की प्रिपरेशन के लिए एक स्टेप उठाया था लास्ट ईयर और बहुत अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट कराया था बट ये जो पोस्ट आई है 204 जीरो फोर अर्लियर वैकेंसी एंड थ्री फोर्टी न्यूली वैकेंसी मतलब 204 जीरो फोर प्लस थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी मतलब पांच सौ चौवालीस वैकेंसी टोटल यहां पे दिख रही है जो आ सकती है 554 ना ये टोटल वैकेंसी आपकी आ सकती है इतनी वैकेंसी किसी गवर्नमेंट जॉब में आना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ए के जो पोस्ट होती है यहां पे लिखा हुआ है जूनियर एग्जीक्यूटिव लेवल लेकिन इस जूनियर वर्ड पे जाना मत क्योंकि पैकेज बहुत अच्छा खासा ऑफर करती है आपका 12 लाख प्लस का पैकेज होता है 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 और अलाउंसेस जो होते हैं बहुत एक्सेसिव होते हैं बहुत ज्यादा आपके अलाउंसेस मिलते हैं चाहे आपका मेडिकल हो इवन आपके पहनने के लिए भी चीजें मिलती हैं कपड़ा जूता भी मिलता है आपका ए में तो अलाउंसेज बहुत सारे हैं ए जैसे पोस्ट के लिए इसीलिए बहुत ज़्यादा क्रेज है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए लेकिन यहां पे फर्स्ती एक चीज है मैथमेटिक्स कई बार गेम खेल जाता है तो इस बार हमने डिसाइड किया है अगर ये थर्टीथ को वैकेंसी होती है क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लास्ट ईयर इसकी प्रिपरेशन कराया है तो हमें बहुत बेटर आइडिया भी है लेकिन मैथमेटिक्स ने लास्ट ईयर भी गेम खेला था तो इस बार हम मौका नहीं देंगे उस गेम के लिए इंजीनियरिंग मैथ्स के साथ साथ जो अदर पोर्शन मैथमेटिक्स का जो कि शायद आपने अपने बीएससी लेवल पे अपने इलेवन ट्वेल्थ लेवल पे जो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी होगी जो कि बी एस सी की जो मैथमेटिक्स होती है इंजीनियरिंग मैथ से पूरा सिलेबस मैच नहीं करता है काफी कुछ डिफरेंट हो जाता है तो इन दैट केस में अगर हम इस बार ये अगर वैकेंसी रिलीज होती है तो डेफिनेटली जेनिक ए टी सी के लिए प्रोग्राम लेके आएगा बैच लॉन्च करेगा और इस बार हम कुछ डिफरेंट भी करेंगे नॉट लाइक दैट क्योंकि तीन महीने मैक्सिमम मिलते हैं थ्री मंथ्स टू तो फोर मंथ्स अप्रोक्सीमेटली मिलते हैं तो इस बार हम कुछ हाइब्रिड कोर्स का प्लान करेंगे अगर प्लान करें क्योंकि फिजिक्स जो था एप्टीट्यूड जो सेक्शन था रीजनिंग जो सेक्शन था ये नेक्स्ट लेवल आपका जो प्रिपरेशन कराई गई थी वो नेक्स्ट लेवल की आपकी थी इन सिर्फ मैथमेटिक्स जो पोर्शन था उसमें बहुत ज्यादा हम लोगों ने फोकस किया था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को लेकिन वो थोड़ा सा उल्टा दांव पड़ गया तो इस बार हम वो रिस्क नहीं उठाएंगे कि सिर्फ हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को बहुत ज्यादा फोकस करेंगे हम इंजीनियरिंग मैथ्स के साथ साथ अदर जो पोर्शन आपका मैथ्स का है उसको भी फोकस करेंगे जैसे कि एटलीस्ट जो भी सिचुएशन क्रिएट हो उस सिचुएशन में बच्चे के लिए फ्रूटफुल हो, हो जाना चाहिए और ध्यान रखना अगर ये एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आता है तीस तारीख को थर्टीथ में लिखा हुआ है ड्यू डेट है लेकिन ये कोई नोटिफिकेशन क्लैरिफाइड नहीं है फाइनल नोटिफिकेशन नहीं है लेकिन उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन तीस तक आ सकता है तो उम्मीद पे हम लोग कायम हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग 30 तारीख को देखिएगा कि नोटिफिकेशन आता है कि नहीं आता है बट 90 परसेंट चांस एटीसी का नोटिफिकेशन आएगा लेकिन एक बात का ध्यान रखना एटीसी के प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा जो टाइम मिलेगा वो तीन से चार महीने मिलेंगे थ्री टू तो फोर मंथ्स मिलेगा इससे ज्यादा आपको मिलेगा नहीं प्रिपरेशन करने के लिए बात ध्यान रखिएगा और एक चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो इंजीनियरिंग स्टूडेंट इसमें एलिजिबल होते हैं तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट का फोकस बहुत ज्यादा गेट की तरफ भी होता है तो एक बात और ये बहुत मुश्किल होता है और मैं एकदम सही बोलूंगा लास्ट टाइम भी मैंने उड़ान बैच के बच्चों को मैंने यही बोला था कि अगर आप एटीसी की प्रिपरेशन आप स्टार्ट करते हो तीन ही चार महीने का समय मिलता है जिसमें आपका फिजिक्स का भी पोर्शन होता है मैथ्स में सिर्फ इंजीनियरिंग मैथ्स नहीं होती है सिर्फ इंजीनियरिंग मैथ्स नहीं होती है आपका मैथ्स में और भी बहुत कुछ होता है जो आपको पढ़ना पड़ेगा जो कि इस बार हम फोकस भी करने वाले हैं एप्टीट्यूड भी होता है रीजनिंग भी आपका होता है और जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट बहुत छोटा सा होता है तो वो उतना हेडेक नहीं है मेन पोर्शन जो है एटीसी एग्जामिनेशन के लिए वो आपका एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है एप्टीट्यूड उसके बाद आपका जो सेकेंड आता है रीजनिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनिंग का पोर्शन है तीसरा आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपका फिजिक्स है फिजिक्स है फिजिक्स में बहुत कुछ है ना फिजिक्स को ऐसे मत लेना कि मतलब 10-20 घंटे में हो जाएगा ना फिजिक्स हमने जो डिलीवर लास्ट टाइम किया था वो हंड्रेड हंड्रेड एंड ट्वेंटी आवर्स अप्रोक्सीमेटली डिलीवर किया था वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी आवर्स अप्रोक्सीमेटली डिलीवर किया था उसके बाद आपका ये मेन सेक्शन हो गए जो बड़े इंपॉर्टेंट है एंड फोर्थ वन आपका जो है वो है मैथ्स का सेक्शन लेकिन इसमें ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें सिर्फ इंजीनियरिंग मैथ्स इंजीनियरिंग मैथ्स प्रीवियस ईयर के पैटर्न का अगर आप देखोगे लेकिन प्रीवियस ईयर कौन सा 21 के पहले वाला तो इंजीनियरिंग मैथ्स को थोड़ा सा ज्यादा वेटेज रखा गया था लेकिन जब आप 21 का पेपर आप उठाकर देखते हो तो इंजीनियरिंग मैथ्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिया है तो बी की मैथमेटिक्स भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है तो बहुत जरूरी है कि मैथमेटिक्स में ध्यान देना पड़ेगा और मैथ्स एंड फिजिक्स का सेम वेटेज है मैथ्स एंड फिजिक्स का सेम वेटेज होता है तो ऐसा नहीं कि फिजिक्स कम इंपॉर्टेंट मैथ्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा कुछ नहीं है दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यह सब कुछ आपको तीन चार महीने में करना है आप खुद सोच के देखिए क्या आप इतना मतलब वर्सेटाइल है कि आप अपनी गेट की प्रिपरेशन को भी मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल पे करते रहेंगे एटीसी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल करते रहेंगे ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि यहां पे भी पैकेजेस बहुत अच्छे खासे मिलते हैं गेट के थ्रू भी आप जब प्रिपरेशन करते हो अगर आप एक अच्छा स्कोर अपनी रैंक अचीव करते हो तो डेफिनेटली वहां पर भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट लेवल की होती है तो आप अगर इसके बारे में सोच रहे हो लास्ट ईयर मैंने यही बात बोला था कम लोग सुनते हैं लेकिन सुनना चाहिए उनको क्योंकि गेट के साथ साथ कई बच्चे ईएस की प्रिपरेशन करते हैं गेट के साथ साथ कई लोग ईएस की प्रिपरेशन भी करते हैं अब आप सोचो गेट ईएस उसके बाद में एटीसी में तीनों प्रेपरेशन पहली कर ले जाऊंगा तो आप मूर्ख हो इसलिए कि तीन चार महीने आप सोच रहे हो मैं इन तीनों को साथ में लेकर चल लूंगा आप इतने एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं हो बिकॉज वी आर जस्ट अ एवरेज आप सब एक एवरेज कैटेगरी में हो तो अगर एवरेज में हो बेटा तो आपको एम्फेसाइज करना पड़ेगा किस पे ज्यादा फोकस करना है अगर आप एटीसी का फॉर्म भरते हो नोटिफिकेशन आता है आप इस बात का ख्याल रखिएगा आप फॉर्म जरूर भरिए लेकिन ऐसा मत सोचना कि बड़े सस्ते क्वेश्चन आते हैं ना कि मैं यूं ही कर दूंगा क्योंकि फिजिक्स तुमको टच किए काफी साल हो चुके आई गेस बहुत दिन हो चुके फिजिक्स टच किए हुए तो फिजिक्स में तुमको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा जो तुमने इलेवन ट्वेल्थ इन समय पढ़ा होगा ऐसा मत समझना कि आपको फिजिक्स नहीं पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स पढ़ना आपको मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा आपको ऑप्टिक्स भी पढ़ना पड़ेगा आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा भले वो बीसी तीस मार्क्स किया है उससे फर्क नहीं पड़ता है लेकिन पढ़ना पड़ेगा तो उम्मीद ऐसी कोई मत बनाना कि मैं तीनों में नेक्स्ट लेवल करने के लिए प्रिपेयर करूंगा ऐसा नहीं हां आप अगर अपने आप को फुलफिल कर सकते हो 18 19 घंटे अगर आप दे सकते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो देर इज नो प्रॉब्लम बट अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो मैं आपको यही सलाह दूंगा ये अगर ये नोटिफिकेशन आ जाता है मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार का अगर ये नोटिफिकेशन आता है और आप इसमें इन्वॉल्व होते हो तो आपको बेटा तीन चार महीने ना डेली बेसिस पे कम से कम नहीं तो सेवन टू एट आवर्स तो सिर्फ एटीसी को देना पड़ेगा तभी जाके कुछ उम्मीद रखेगा कि एटीसी में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्योंकि सीट बहुत ज्यादा है सीट अगर ज्यादा होती है तो कंपटीशन में आपको ज्यादा फेस करना पड़ेगा अभी गेट में आ जाए कि दस हजार सीट है पीएसयू में मतलब हालत खराब हो जाएगी पूरी दुनिया सिर्फ गेट की प्रिपरेशन करेगी और कोई एग्जाम की प्रिपरेशन ही नहीं करेगी तो सीट पांच प्लस सीट आना बहुत बड़ी बात होती है गवर्नमेंट सेक्टर में और बहुत बड़ी बात है अगर ये वेरीफाई हो जाता हां इतनी सीट आने वाली है और एग्जैक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका अगर एटीसी नोटिफिकेशन 30 तक आ जाता है आप विचार करके रखिएगा अभी से सोचना स्टार्ट कर देना अगर ये 30 को आ गया तो मुझे क्या डिसीजन लेना है अगर फुल्ली डेडिकेशन के साथ आप सिर्फ ए पे फोकस करोगे उम्मीद आपकी बढ़ेगी सिलेक्शन की बट अगर मिक्सिंग करने की कोशिश करोगे कि गेट ई एटीसी सी सब कुछ मैं मिक्स करके पहले चल लूंगा तो मतलब वो थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए मैं आपको पहले से आगाह कर रहा हूं क्योंकि दुनिया आगे बताएगी कि गेट के साथ साथ आप एटीसी भी कर सकते हो गेट के साथ साथ आप ईएस भी कर सकते हो अरे भाई इतने इतने इंटेलिजेंट नहीं है एक नॉर्मल स्टूडेंट है अभी अपनी प्रिपरेशन जोन में है और सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या है एटीसी का अगर 30 मई का नोटिफिकेशन आ जाता है तो ये जो टाइम होता है ना मई जून जुलाई अगस्त सितंबर मैक्सिमम सितंबर मान लो मैक्सिमम सितंबर मान लो तो सितंबर तक का जो टाइम होता है ना इसी टाइम आप मैक्सिमम अपना सिलेबस भी कवर करते हो गेट एग्जामिनेशन का मैक्सिमम सिलेबस इसी में कवर करते हो और जो सिलेबस आप कवर करते हो उससे ए कोई लेना देना नहीं सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स को छोड़ दिया जाएगा और मैथमेटिक्स भी प्योर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं है क्योंकि 21 में यह चीज प्रूफ कर दिया गया उससे पहले जो पेपर इसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का काफी अच्छा खासा वेटेज था बट 21 के पेपर ने यह जरूर प्रूफ कर दिया कि सिर्फ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अकेले नहीं आएगी आपको और भी मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी जिसका गेट से कोई लेना देना नहीं है इसी बात को ध्यान रखना है जब आप एटीसी प्रिपरेशन करोगे और जेनिक पे जो उड़ान बैच में फिजिक्स रीजनिंग एप्टीट्यूड सब ये कंप्लीटली फुलफिल्ड थे जो कि प्रीवियस पैटर्न्स को फॉलो किए थे और बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल्ड थे अगर कुछ नहीं सही तरीके से फुलफिल्ड था ड्यू टू द प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के बेसिस जो हम लोगों ने कराया उस बेसिस पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हमने ज्यादा फोकस करवाया था लेकिन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ने गेम खेल दिया था एटीसी एग्जामिनेशन में तो इस बार अगर हम एटीसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए आते हैं तो हम इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ साथ जो अदर पोर्शन है मैथ्स का उसको भी कराना आपके लिए जरूरी हो जाएगा अदरवाइज

तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा ऐसा कोई ख्वाब मत देखना कि गेट को भी मैं नेक्स्ट लेवल चार महीने कर ले जाऊंगा और एटीसी को भी नेक्स्ट लेवल में चार महीने कर ले जाऊंगा ऐसी कोई भी गलती से भी उम्मीद मत रखेगा हाँ आप कर सकते हो अगर आप काफी ज्यादा ब्रिलियंट कैटेगरी में आप आते हो देन इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल बट सच्चाई यही जो कि मैं हमेशा बोलता हूं आपको सच्चाई यही है अगर एटीसी पूरा फोकस दोगे तभी जाके चांसेस बनेंगे और अगर सब कुछ मर्ज करके चलोगे ना इधर खोगे ना उधर खोगे इस बात का ख्याल रखिएगा सही है तो चलिए उम्मीद करते हैं तीस तारीख तक एटीसी के नोटिफिकेशन आ जाएगा और आ जाएगा तो आप नेक्स्ट डे से ही अपने आप को प्रिपेयर कर ले मतलब थर्टी फर्स्ट मे से ही स्टार्ट कर देना अगर इसके लिए फोकस करते हो और अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो थोड़ा और इंतजार कर लो थोड़ा और वेट कर लेना मे बी शायद पॉसिबिलिटी कि एक वीक के अंदर आपका नोटिफिकेशन आपका डिस्प्ले हो जाए सी के वेबसाइट पर एक बार आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है और एक बार एग्जामिनेशन होगा तो एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं होगा वो एग्जामिनेशन रिजल्ट भी आएगा वो अलग बात हो सकती है कि एग्जामिनेशन रिजल्ट आते आते कहीं एक साल ना हो जाए तो वो होगा क्योंकि इक्कीस में भी यही हुआ है फाइनल रिजल्ट आते आते लगभग आपका एक साल लगभग हो गया लगभग एक साल होने को आ गया तो कभी कुछ एग्जामिनेशन ऐसे होते हैं जिसमें टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा हो जाता है ठीक है चलिए तो फिर जैसा भी आएगा कोई भी अपडेट आएगा मैं डेफिनेटली आपको अपडेट करूंगा और तब तक के लिए आप लोग अच्छे से इस बात पे विचार करो कि अगर ये नोटिफिकेशन आता है आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं आपको आपको जगा रहा हूँ आप सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा जो भी डिसीजन लीजिएगा सही बात है चलो बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत